हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू जिंदल श्री हरि क्रोचेट निटिंग चैनल की तरफ से आप सब बहनों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज देखिए, मैं बहुत ही सुंदर एक ड्रेस लेकर आई हूँ। इसे मैंने ऑफ वाइट और पिंक कलर में बनाया है और 14 नंबर के क्रोशे से बनाया है, 2.5 mm। तो 3 प्लाई की ये पशम है जो बेबी वूल होती है उससे बनाया है। देखिए, इसको हम हर साइज़ में बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको छोटा बड़ा कैसे बनाना है वो भी बता दिया है। देखिए, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर आई है। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले देखिए, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस पसंद आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने 4 नंबर की चोली बनाकर रखी है, 4 और 5 नंबर के लिए। देखिए, हम इतनी ही चोली बनाते हैं। तो चलिए, इसका नीचे घेरा बनाना है। वैसे तो घेरा तो नीचे इसका जो है वो प्लेन ही बनेगा। देखिए, यहाँ से तीन चैन बनाकर, देखिए नेक्स्ट वाली चैन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी के अंदर हमने फिर से एक बार और बनाना है। अब फिर से नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन में एक, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमने 3 चैन बनानी है। देखिए, इसी के अंदर हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। पहले देखिए, हमने दूसरी चैन में बनाया था, अब हम तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार इसमें, नेक्स्ट में 2 बार, एक बार, अब थर्ड चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए, इस तरह से हमने ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। हर थर्ड में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से देखिए, अब हम इसका एक कलर और लगाऊंगे। देखिए, हमने इसी तरह से तीसरा राउंड भी बना लिया है। इसको हमने हर थर्ड के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था चैन में, फिर उसके बाद हम हर फोर्थ के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने जो राउंड बनाना होता है, देखिए, तो आप जैसे भी लें। अब देखिए, हमने क्या करना है, फोर्थ राउंड आ गया है हमारा। अब हमने दूसरा कलर लगाना है। एक, दो, तीन, तीन चैन बनानी है। तीन चैन बनाकर देखिए, अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, हमारे 2 हो गए। अब तीसरी चैन में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो गए टोटल हमारे। अब देखिए, हमने क्या करना है, एक चैन छोड़ देंगे और उससे नेक्स्ट वाली चैन के अंदर हमने पफ बनाना है। एक बार बन लेंगे, 2 बार क्रोशिए पे ही रखेंगे और तीसरी बार, 3 बार लेकर हमने देखिए इसको निकाल देना है सारे। अब हमारे पास 2 है, 2 से 1। अब हमने यहाँ पे 2 चैन डालनी है और फिर इसी जगह में से फिर से पफ बनाना है। एक बार बल, 2 बार और 3 बार, इस तरह से।
अब देखिए फिर से हमने नेक्स्ट एक चैन छोड़नी है, उससे नेक्स्ट वाली चैन के अंदर हमने बनाना है एक दो। देखिए जब हम तीसरा बनाएंगे तो हमने इसको इंक्रीज भी करने हैं। देखिए हमने इसको बढ़ाना भी होता है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा ये सिकुड़ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे दो चैन बनाई तो नीचे दो छोड़ भी दी, तो हमारे उतनी की उतनी चैन है। अब हम एक डबल क्रोशिया यहाँ चार के अंदर बढ़ा लेंगे, इसके अंदर थर्ड के अंदर ही हमने एक बढ़ा लेना है। अब फिर से हमने एक छोड़ देना है नेक्स्ट में, एक दो तीन, इस तरह से हमने एक पफ बनाया, फिर से दो चैन और उसी के अंदर दोबारा से फिर से हमने एक पफ बना लेना है। देखिए इस तरह से अब हमने एक छोड़ देनी है चैन, नेक्स्ट चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है एक, फिर उससे नेक्स्ट में एक, फिर उससे नेक्स्ट में दो। इस तरह से हमने इस राउंड को डिज़ाइन को फॉलो करते हुए राउंड पूरा राउंड बना लेना है। ये देखिए चार डबल क्रोशिया बनाए, फिर पफ बनाया, एक चैन छोड़ी, तीन चैन के ऊपर हमने चार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन छोड़ के ये दो पफ बनाए, इस तरह से कंप्लीट कर लेते इस राउंड को। देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए जो हमारा ये प्लेन वाले चार चार हैं, देखिए इसको हमने जितने भी आए हमारे जोड़े में आने चाहिए। जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, और ये भी हमारे बारह ही होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, क्योंकि जो आगे डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमें यह जोड़े में चाहिए। चाहे आपके पास 10 आएँ 12 आएँ, देखिए 9 11 13 इस तरह से नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी आपको लगे कोई एक आधा डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा पड़ रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। तो देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया है और इसको हम यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। अब देखिए हमने इसको नीचे वाइट वाले को छोड़ा हुआ था, इसको मैंने कट नहीं किया था, अब उससे हमने करना है तीन चैन बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये चार डबल क्रोशिया हैं, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे के ऊपर भी। अब जो चौथा है हमारा, देखिए यहाँ पे हमने एक इंक्रीज कर देना है, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बढ़ाना है, चार के पांच करनी है। अब हमने देखिए आगे फिर से यहाँ पे जो हमने ये दो की चैन बनाई थी उसके अंदर पफ बनाना है, दो चैन और फिर से उसी के अंदर एक पफ, तीन बार पर लेकर इस तरह से, फिर नेक्स्ट हमने चार के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए अगर आप बीच में बढ़ाना चाहे तो बीच में बढ़ा लें, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे बढ़ाएं। चार के पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं हमने इस तरह से। अब हमने देखिए दो पफ के जो हमने यहाँ दो चैन बनाई है इसके ऊपर दोबारा से पफ बनाना है, तीन बार बल लेकर, फिर दो चैन, फिर उसी के अंदर दोबारा से इसी तरह से। देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड ख़त्म हो गया। अब फिर से हमने तीन चैन बनानी है। अब देखिए हमें थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा राउंड लूज़ हो रहा है, तो हम पांच डबल क्रोशिया के ऊपर ही पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने यहाँ पे कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है।
इस तरह से। अब देखिए हमने इसके ऊपर उसी तरह से बनाना है। अब हमने यहाँ पे दो चैन बनानी है और उसी, अगर देखिए हमने यहाँ पे तीन चैन बना लेनी है अब, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है। इस तरह से अब पांच के ऊपर हमने पांच ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, कोई भी हमने बढ़ाना नहीं है, बस यहाँ पे हमने दो की जगह तीन चैन बना देनी है। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारा राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हमने देखिए क्या करना है, जो नीचे हमारा ये पिंक वाला धागा है इसको हम लेंगे। देखिए हमने जो ये एक दो तीन चार पाँच पाँच डबल क्रोशिया बनाए थे, हमने इसके जो बीच वाला है उसके अंदर वर्क करना है। तो हम इसको देखिए इस तरह से स्लिम स्टिच करते हुए ये सेंटर वाले में आ जाएंगे। अब हमने देखिए क्या करना है, सबसे पहले दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाकर हमने दो बार पल लेना है और उसी चैन के अंदर से हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए दो का एक, दो का एक और दो का एक, इस तरह से करना है। फिर हमने एक चैन बनानी है, देखिए इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने देखिए इस तरह सिंगल बनाते हुए इस तरह से 10 बार बनाना है हमने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए 9, जो 10वां बनाना है वो हमने यहीं से बनाना है, यहाँ चैन में से, इस तरह से। देखिए ये 10 फंदे हमारे पास क्रोशिए पे आ गए। अब हमने दो का एक एक करते जाना है इस तरह से, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो से एक, इस तरह से। इस तरह से अब देखिए हमने दो चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद हमने फिर से दो बार पल लेना है क्रोशे पे और उसी जगह से वहीं पे हमने फिर से पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 10 बार हमने फिर से पल लेना है। एक बार हमने एक चैन बनाई, एक हो गया। अब दूसरी बार लेंगे, इसमें से लेकर आना है और इस तरह से निकालना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो 10वीं बार निकालना है वो हमने यहीं से निकालना है, जो हमने जिस होल में से इसको उठाया है, इस तरह से, ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए। अब फिर से हमने दो का एक, ये देखिए दो का एक किया। अब हमने फिर से दो बार चैन बनानी है, फिर से इसको इस साइड करेंगे और उसी जगह से हमने दो बार बल लेकर पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह करते हुए देखिए हमने इसको 10 बार बनाना है। इस तरह से जो हमारी ये कलियां हैं इसको हम 10 बार बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये इसके 9 बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 9 बनाने के बाद हमने क्या करना है, आगे जो हमने देखिए ये पफ वाला बनाया है यहाँ पर लाकर इसको बंद कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। देखिए ये इस तरह से जो फ्लावर है ये बनकर तैयार हो गया है।
अब देखिए हमने क्या करना है, चाहे तो देखिए आप इसको एक ही कलर से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको नेक्स्ट वाला जो पैट बनाना है फ्लावर, आप इसको वाइट से भी बना सकते हैं। देखिए उसके लिए हमने क्या करना है, अगर आपने दूसरे कलर से बनाना है तो देखिए हमने इसको यहाँ से जो हमारा ये वाला कलर है इसको हमने साथ में लेकर आना है यहाँ तक। इस तरह से कितना सुंदर बनकर आया है ये। देखिए अब मैं बताती हूँ कि हमने इस धागे को साथ में कैसे लेकर जाना है। इसको हमने देखिए यहाँ पे रखना है, पहले मैं भूल गई थी आपको बताना। देखिए अब हमने इसका यहाँ पे सेंटर लेना है, जो हमने पांच बनाए थे पांचवें वाले बीच में, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे आना है इस तरह से। अब हमने दो चैन तीन चैन बना दो चैन बनानी है। दो चैन बनाने के बाद अब फिर से हमने इसका ट्रिपल क्रोशिया बनाना है पहले यहीं से। देखिए अब ये हमारा जो धागा है यहाँ पे आ गया है, नहीं तो ये इतना बड़ा गैप नहीं आता इसका, मैं पहले आपको भूल गई थी। इसको हमने साथ में ही लेकर जाना है, बाकी इसको हमने पीछे करके वैसे ही पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, उसी तरह से हमने इसको करना है। एक चैन बना ली, अब यहीं से हमने देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और जो दसवां बनाना है वो इसी चैन में से हमने बनाना है इस तरह से। अब दो का एक एक करेंगे हम, इस तरह से दो को एक एक करते हुए हमने कंप्लीट करना है। फिर से हमने दो चैन बनानी है और इसको वहीं उसी चैन के अंदर हमने दो बार बल लेकर उसी चैन के अंदर नौ बार हमने इसको वर्क करना है। पहले ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से हमने फ्लावर बनाने हैं ये वाले। देखिए अगर आपने एक कलर से बनाने हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये दो कलर से बनाने हैं तो हमें यहाँ पे 12, 10, 8 के हिसाब से जो ये कलियाँ बनी हैं हमारी वो होनी चाहिए। अगर आपने एक कलर बनाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जितने भी आपके पास यहाँ आए तो आ सकते हैं। चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं इसी तरह से बनाते हुए, एक पिंक एक वाइट, एक पिंक एक वाइट। देखिए ये मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं, और देखिए इसके अंदर मैंने ये स्टोन भी लगा दिए हैं, अगर आप इसको लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज नहीं हो आपके पास तो ना लगाएं। इसके यहाँ आप मोती भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए लगाने से थोड़ी सुंदर लगती है, देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस बनकर आ गई है। अगर आपको हमारी ये ड्रेस पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।